चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार मेयर घोषित। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया, कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट सख्त, किसानों के दिल्ली कूच मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई, कहा दिल्ली ही जाना है तो बस पर चले जाओ। पंजाब के मानसा में आशा वर्कर यूनियन का प्रदर्शन, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर किया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तरफ से घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपायुक्त मामला बनाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इसको लेकर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया है। आपको बता दें सीएम भगवंत मान ने इस पर ट्वीट कर सभी को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा है, आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार मेयर घोषित हुए हैं चंडीगढ़ में। आपको बता दें चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए थे जिस पर कार्रवाई चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिटर्निंग ऑफिसर पर अब कार्रवाई होगी और उनसे जवाब मांगा गया है। उनके कैमरे की फुटेज सामने आने के बाद उनसे जवाब मांगा गया है और उन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस बीजेपी को मेयर घोषित किया था उसे रद्द करते हुए अब आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया है। चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। और इलेक्शन के अंदर ही अगर ऐसे काम हो जाते हैं कि जो उनसे बैलेट पेपर होते हैं उन पर टिक लगा दिए जाएं और उनके साथ ऐसा काम कर दिया, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा खून नहीं हो सकता और ये खून हुआ, सबने देखा, सबने बड़ा क्लियरली देखा। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये बात क्लियर करी और उन्होंने सबको बताया भी कि कैसे हुआ, उन्होंने वीडियो दिखाए, बैलेट पेपर मंगाए, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि 20 वोटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको 16 वोटें पड़ी, अनिल मसीह जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ प्रेसाइडिंग ऑफिसर था, उनके एक ऐसा बंदा था जो उनकी पार्टी से रेव रखता है, अब तो हम ये भी कार्रवाई करेंगे जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, अगर वो किसी पार्टी से उनका रिश्ता निकला तो वो सबको ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी और जो उन्होंने अंदर हंगामा किया उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। खबर पंजाब से है जहां किसान आंदोलन को लेकर दाखिल दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है और यहां आपको बता रहे हैं कि किसानों की तरफ से आज भी कोई वकील हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन को नियमों के तहत ही किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली ही जाना है
तो बस पर चले जाओ। ट्रैक्टर ट्रॉली को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हाईवे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए। प्रदर्शनकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में इकट्ठे होने की इजाजत दी जाए। बीते रविवार को केंद्र के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत का जो भी नतीजा है उसका ब्यौरा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है और केंद्र यह जानकारी अगली सुनवाई पर देगा। यूनियन ने कहा है भी तुसी अपनी स्टेटस फाइल करो ते दूजा तुसी जिहड़ा ये एफिडेविट फाइल किया है रेपिटेशन ऑफ वर्ड आ ते इनू प्रोपर फाइल करो भी की रीसेंट डेवलपमेंट्स ने ते दूजा फार्मर्स नू भी कहा गया है भी तुसी एक व्हीकल कोई होर यूज करो, ट्रैक्टर ना यूज करो जे प्रोटेस्ट करना है। बाकी ये साड़ी सारी आपस की गल है। बाकी पंजाब नू डायरेक्शन हुई है भी तुसी इन्हां नू इकट्ठे ना होण दिओ, बट असी अपनी आर्गूमेंट रेज कीती उत्थे, असी कीती कि जदों इह असी जजमेंट्स लैके गए सी कि इन द नेम ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट कैन नॉट इम्पोज अनरीजनेबल बाउंडेशन ऑन द पीसफुल प्रोटेस्टर। किसान सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का मुख्य काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होगा और इसके अलावा खनौरी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ हैवी मशीनरी लेकर जा रहे किसानों और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली थी और उसमें शंभू थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनपाल सिंह विर्क और मोहाली के एसपी जगविंदर सिंह चीमा घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था जिस पर अब वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें दो सेना के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर को लेकर वो दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं किसान और आज सुबह 11 बजे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। खनौरी बॉर्डर से किसान जो है अब दिल्ली कूच की शुरुआत कर रहे हैं और खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन की भी तमाम तैयारियां की गई हैं, जहां पर पुलिस के दो अधिकारी जो हैं घायल बताए जा रहे हैं क्योंकि किसान और पुलिसकर्मियों के बीच इस दौरान झड़प हो गई जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से खास कार बनवाकर 12 देशों की 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर 5 सिंहासन के दर्शन के लिए हरजीत सिंह भारत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हरजीत सिंह विभिन्न देशों से गुजरते हुए पाकिस्तान स्थित गुरुधाम और 5 सिख सिंहासनों का दौरा किया। वहीं करने हन्ना और गुरु महाराज ने भी हरजीत सिंह का साथ दिया और हरजीत आज 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके बटाला पहुंचे, जहां बटाला के लोगों ने जयकारों की यात्रा कर चुके हैं और यह स्पेशल कार ऑस्ट्रेलिया से बनवाई गई है। आपको बता दें कि हरजीत सिंह का बटाला दौरा रहा जिस दौरान सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया। 12 देशों में अब तक दौरा कर चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं इस कार में। ये कार जो है ऑस्ट्रेलिया से खास बनवाई गई है, इसमें 12 देशों की यात्रा अब तक वो कर चुके हैं। सफर जो 20,000 किलोमीटर सफर मेरा तय हो चुका। देशों की जो गल करा 12 देश जोड़े वो एक्सप्लोर करके अज मैं 13वें देश के एंटर होया। जे नेचर वाइज क्योंकि देखो असी जिहड़ियां कंट्री चूज कीतियां सीगियां वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जिहड़ियां चूज कीतियां सी वो इसे करके क्योंकि हर कंट्री का अपनी विलक्खणता सीगी। किसी कंट्री दे विच नेचर ज्यादा वधिया सी, किसी कंट्री दे विच फूड बहुत वधिया सी, किसी कंट्री की हिस्ट्री बहुत वधिया सीगी। सो इस करके जे कंपेयर करना कंट्री नूं वो थोड़ा डिफिकल्ट आ। हर एक कंट्री जिहड़ी मैं चूज कीती सी उहदे विच वक्खरा वक्खरा एक्सपीरियंस आ। जी सिर्फ यो सोच सके कि होटलों की जिते होटल च रहना तो खाण पीण की क्योंकि असं प्योर वैजीटेरियन खालसे तो इदा का फूड जोड़ा बोजनिया सुलवेनिया वर्गी जिते एक मुस्लिम कंट्रीज ने उत्थे फूड मिलना थोड़ा जहा मुश्किल करके गड्डी इदा की मॉडिफाई कराई कि सानू रहण की फूड की कोई दिक्कत ना आए। कालामान धनौला के एनकाउंटर पर सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कालामान धनौला का फर्जी एनकाउंटर किया है। मान ने कहा कि काला धनौला सरेंडर करने के लिए हाथ उठाकर बाहर आ रहा था, पुलिस ने गोलियां चलाई और फर्जी मुठभेड़ की
जब काला मान धनौला पुलिस के घेरे में आ गया तो काला मान आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ उठाकर लाल कोठी से बाहर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर भी कायरता दिखाते हुए उस पर गोली चला दी और उसे गोलियों से भून दिया। इस झूठे एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस के इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कालामान के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरा पुलिस का एनकाउंटर फर्जी है। इस सरकार की ना एक बहुत बड़ी प्लानिंग आ कि नशियां नाल साडे जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं शरीरक तौर पर इन्ना कमजोर किया जा रहा ताकि पंजाब की जिहड़ी नस्ल आ उन्हूं खत्म किया जा सके। पंजाब दे विच तुसीं देख लो, इह कहिंदे सी नशा तां असीं इक महीने च बंद करा देंगे जदों सरकार बन गई। केजरीवाल दी स्टेटमेंट पईआं, मुख्यमंत्री दी स्टेटमेंट पईआं, अज नशे दा की हाल आ। अज नशा मेरे ख्याल च किहड़ा महला किहड़ा एरिया गा जिथे नशा नहीं बिक रहा, थां थां ते नशा बिक रहा। इन्ना पंजाब दे विच इन्ना नशा वधिया होया, सरकार दा उस पासे ध्यान ही कोई नहीं, ना पुलिस दा ध्यान उस पासे। उन्हां दे पैरां थले नशा बिक रहा, उन्हां दे मोढे थले, उन्हां दे गोडे मोढे थले नशा बिक रहा पुलिस दे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ मानसा में आशा वर्कर यूनियन की ओर से मानसा के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि पहले अधिकारियों के साथ हुई बैठक की मांग पत्रों को जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी को लेकर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा। आशा वर्कर यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर मानसा के साथ बैठक हुई, लेकिन आशा वर्कर यूनियन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आश्वासन चाहते थे, मगर कई घंटे तक अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर आशा वर्कर ने जमकर प्रदर्शन किया। ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 21,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗੋਣੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। सीएम भगवान मान ने पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग वायलाज 2018 में जो संशोधन किए हैं उसके मुताबिक 500 वर्ग गज तक के रिहायशी मकान या खाली पड़े प्लॉट पर बनने वाली इमारत का नक्शा स्वतस्दीक किया जाएगा और यह स्वतस्दीकी आर्किटेक्ट द्वारा की जाएगी। बता दें कि पंजाब में इस नए संशोधन के फैसले के साथ मकान बनवाना आसान होगा। पंजाब में 85-90% लोग 500 वर्ग गज से कम के रिहायशी मकानों में रहते हैं और इस फैसले से पंजाब सरकार ने प्रदेश के एक बड़े वर्ग को राहत दी है। यह राहत प्रदेश के कई इकाइयों में नक्शा से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा करेगा। इस निर्णय से लंबित मामलों का अब निपटारा होगा, लोगों को काफी राहत मिलेगी। आर्किटेक्ट जो है 500 गज के नक्शे बनाएगा जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। मान सरकार द्वारा इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि लंबित मामलों का अब निपटारा हो सकेगा। आर्किटेक्ट की मदद से 500 गज के नक्शे बनवाए जाएंगे जिससे कि लोगों को काफी राहत मिलने वाली है।
खबर जालंधर से है, जहां किसानों ने बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंज कालिया के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एसकेएम यूनियन की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, किसानों ने मनोरंजन कालिया पर आरोप लगाए हैं कि वह किसानों के हक में कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वहीं सेंट्रल में उनके मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। किसानों के रोष में आकर पूर्व बीजेपी मंत्री के आवास के बाहर डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने किसान नेताओं को आवास पर बुलाकर उनके साथ मुलाकात भी की। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने मनोरंजन कालिया के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। गारंटी मिल जूगी उस तो सरकार भज गई आई सारिया फसल तेई फसल एम एस पी दिखती जाए जेडे ड्राइवर के खिलाफ कानून लिया रही सरकार वह खत्म किया जाए जेड़ा कर्जा मुक्ति आंजाब के कर्जे से लीक मारी जाए ते जेड़ा चैप वाले मीटर पिंडां च धड़ाधड़ चलाई जा रहा है 220 बिजली का कानून सीगा वह बंद किया जाए और रोका रद्द किया जाए ये मंगा सीगियां ते जिन्हां नूं लागू करके सरकार सानू घरां दे विच बिठा ले ते नहीं तो जिन्ना चिर ये नहीं सरकार साडी सुणूगी ते फिर तो लड़ाई। संयुक्त किसान मोर्चे वालों धरना लगाया सी मेरे बिल्डिंग ते और बीजेपी दे जो नुमाइंदे है उन्होंने कर दे के लगा रहे उन्होंने किसी मिलना चाहते मैं चल के गया उन्होंने मैं आओ बैठे आप और उन्होंने गलबात दसी है मैं तो उन्होंने कहा कि मैं जो लिखती है तो थोड़िया बाकी उन्होंने क्या लिखती नहीं थी मगर उन्होंने को दिता लेकिन जो गल कही मैं कह भावना में पहुँचा। अच्छा दिल्ली के उत्ते किसान बैठे ने कहते कि सानू पांच जड़ियां फसलों के उत्ते एम एस पी नहीं चाहिए सानू जिहड़ा वा इक्की तो इक्की फसलों के उत्ते एम एस पी चाहिए हैगी है तो जो पिछला जिहड़ा हैगा है वो किसान दे परचे हुए आ जो भी है उन्होंने सारे के उत्ते जिहड़ा आश्वासन चाहिए है तो हुण कल नू कह रहे कि दिल्ली कूच। खबर अमृतसर से है, जहां झगड़े के चलते ने पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला बाबा वकाला साहेब हल्के के बटाला गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटकर मार डाला, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी और जान से मारने की धमकी भी दी। मृतका के भाई ने बताया कि उसके जीजा और उसकी बहन के बीच अक्सर झगड़ा होता था और उसकी बहन को उसके जीजा बेरहमी से पीटते थे। उसने आगे बताया कि आरोपी ने उसे फोन कर कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है और अब मुझे तुम्हें भी मारना है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। अज बाद दोपहर इतलाह मिली सी कि एक मियां बीबी का झगड़ा हो गया और उसकी लेडी ते ज्यादा सट लग गई है। मौके से चौंकी इंचार्ज बताला मौके पर गए जब वेख्या कि लेडी की जिहड़ी आ डैथ हो चुकी है। इस व्यक्ति के उत्ते ऑलरेडी मुकदमे दो दर्ज सी, थोड़े दिन पहले जेल तो आया सी। ये अपनी वाइफ नूं इन्हें कुटमार की ते उन्हूं धक्का वगैरह देता जिहदे नाल उहदे ज़्यादा सट लग गई और उहदी डैथ हो गई है। दोषी इस वेले फरार आ ते छेती उन्हूं काबू कर लिया जाएगा। अजे कुछ नहीं पता, इहदा इनवैसटीगेशन चल रही है। जिदा जिदा फैक्ट सामने आणगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाएगी। मेरी छोटी भैन है सर राणी, प्रौहने ने आपे मार के आपे फोन करता सू घर मैं मारती जे हूँ मैं तुम्हें मारना लगा जे पिंड बाजो मेरे को। सर बड़ी देर तो लड़ाई चलती है इन्हें कुट मार बड़ी करता है। एक जनानी है महल के बच्ची वह सर यही गलबात हैगी पिछे लग के इन्हें मारता सू सर सब तो छोटी छोटी भैन मारता जी छोटे छोटे बच्चे बेचारी वो बच्चे सू सर फोन किया जी सर इंसाफ यही चाहिए जड़ी वर्गी सर वो वर्गी की तीन इंसाफ मिलना चाहिए सर किसान आंदोलन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि सीएमपीबी के रूप में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध खेती और सहकारी समितियों के माध्यम से पांच फसलों की एमएसपी खरीद के धोखेबाज प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसका मतलब बंधन और अधीनता होगा।
दो साल पहले किसानों ने काले कानून को अनुबंध खेती के रूप में खारिज कर दिया था। अपने स्वार्थ उद्देश्यों के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र का मोहरा थे जो उनकी कथा की धुन पर नाच रहे थे। हम विनाश की ओर धकेल रहे थे। कर्नल रोहित चौधरी की तरफ से चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में जय जवान के कैंपेन की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना के तहत बहुत से नौजवानों को सेना में जोड़ा गया, पर इसी के तहत बहुत सारे नौजवान बेरोजगार भी कर दिए गए। अग्निवीर योजना ठेके पर सेना कर्मचारी रखने जैसा है। उन्होंने इसका विरोध किया और आने वाले समय में 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अलग अलग जगह पर अग्निवीर योजना के विरुद्ध में ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से बड़े और छोटे दोनों स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कि आप लोगों ने मौका दिया कि आपके बीच में आऊं और बात करूं। सबसे पहले तो मैं पंजाब की वीर भूमि, वीर धरती, जो मेरी मातृभूमि भी है, मेरा जन्म संगरूर का है, तो मैं इस मातृभूमि को सलाम करता हूं। साथियों, देश की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सारे देश में अपने राष्ट्रवाद और झूठे देश प्रेम और झूठे सेना के प्रेम को हर जगह उजागर करते हैं। सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली मनाते हैं, ये उनका झूठा सेना का प्रेम है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने एक एक कानून, काम या पॉलिसी से देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश के लिए घातक अग्निपथ जैसी एक स्कीम वो रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी करके 15 जून 2022 को लागू किया, जिसके दो पहलू। पहला पहलू वो कि जो अग्निपथ स्कीम आने से पहले 2019, 20, 21 और 22 में 60 लाख बच्चों ने भर्ती प्रक्रिया देखी और उस भर्ती प्रक्रिया में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए। वो देश के भावी सैनिक थे, लेकिन एक तुगलकी फरमान ने उनको भावी सैनिक या सैनिक होने से महरूम कर दिया और उनको रातों रात बेरोजगार कर दिया। लगातार गुहार लगाते रहे 2-2.5 साल से कि हमारी भर्तियां हो चुकी हैं, सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार थी, लेकिन मोदी सरकार वो भी दे ना सकी। युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकी। देश प्रेमी बच्चे जो सुबह 3-4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जब से जवान होना शुरू हुआ तब से एक ही सपना था, देश की सेवा करेंगे, देश की फौज के अंदर काम करेंगे। उनके जज्बे को, उनके जुनून को तोड़ने का काम किया। दूसरा पहलू अग्निपथ स्कीम का। देश में हमारे चारों तरफ आप घूम कर देख सकते हैं, पूरे पंजाब में संयुक्त किसान मार्च निकाला गया, जिसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से किसानों की मांगें न मानने पर पूरे पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों पर हमला किया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार पठेला के घर के सामने धरना दिया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने एक बड़ी सभा की और किसानों की हत्यारे नीति के बारे में जानकारी साझा की गई। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली में किसानों की तरफ से इस मौके पर किसान नेता गोविंद सिंह ने भी जीवन आंदोलन के बारे में जानकारी साझा की। बीजेपी सरकार दीयां धक्केशाहियां दे विरुद्ध लिखिया एक तां जिहड़ियां संयुक्त किसान मोर्चे दीयां रहिंदियां मंगां उहनां नूं मनवाउण दे लई, ते दूसरा जिहड़े साडे किसान उत्थे एक दुश्मन देश दी तरां जिहड़ा उहनां नाल वर्ताओ कीता जा रिहा, मोर्टार दे गोले दागे जा रहे हैं। सो संयुक्त किसान मोर्चा
समुचा संयुक्त किसान मोर्चा मजदूर जथेबंदियां और जिन्नियां भी है ये सारा उन्होंने नाल है ते असी उन्होंने विरोध के तीन दिनों का प्रोग्राम भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल का मैं जिला प्रधान है जिहड़ा तुसीं सवाल किया भी अज इन्हां दे घर क्यों घेरे है इन्होंने साडे किसान क्यों घेरे है वह तो सरकारी सड़क से घेरे है उन्हां किसानों का की कसूर है जे किसी नूं अपना मंग मंगण दा अधिकार नहीं किसी नूं आपदा दुख दिवाउण दा अधिकार नहीं इन्हां नूं ये दस देना चाहुंदे हैं भी तुसीं ये ना सोच लो भी वह मुठ्ठी भर किसान गए है पूरा वर्ल्ड पूरा हिंदुस्तान सारियां जथेबंदियां जिहड़ा भी बंदा शाम नूं प्रशादा पानी छक के सौंदा ना वह सारा ही इन्हां दे उल्टा है इन्हां नूं एक शुरुआत अज हुई है ये शुरुआत साडी 20, 21 ते 22 तीन दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एको एक मकान के मूहरे बैठ के असी इन्हां दा पिट स्यापा करांगे ते नाल पूरे पंजाब दे टोल प्लाजे वो चाहे किसी भी कंपनी दे है वह पूरियां जथेबंदियां वालों संगत दे सहयोग दे नाल वो पूरी दियां पूरे साढ़े तीन दिन टोल प्लाजे भी फ्री है तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही नमस्कार।